हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे बनाना सोया कीमा पराठा, मावा पराठा। तो आइए देखते हैं हमें इनके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अपने पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें लगभग आधी चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ और ये मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड। अब हम इसको पानी से गूंथ के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बनके तैयार है। हमें पराठे कभी भी स्टफिंग वाले बनाने हैं तो चाहे आटा हो चाहे मैदा हो, हमें उसे कड़ा नहीं गूंदना है, सॉफ्ट लगाना है। अगर वो कड़ा होगा तो हमारी स्टफिंग उसमें से बाहर आएगी। अब ये आटा बन गया है, इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए, हम इसको फिर से एक बार ऐसे मल लेंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा आटा। ऐसे ही सॉफ्ट होना चाहिए, देखिए कोई भी क्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत सॉफ्ट है। आइए अब पराठे बनाते हैं। अब हम बनाएंगे सोया पराठा। सोया पराठा बनाने के लिए हमें ये जो सोया के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं या चूरा मिलता है बिल्कुल वो लेना है। ये मैंने एक बहुत छोटी सी प्याज ली है जिसे मैंने बहुत बारीकी से काट लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए नमक, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला। सोया को गलाने के लिए हम ऐसे एक सॉस पैन में अपना पानी उबालेंगे। जब पानी उबल जाएगा तो ये जो सोया का चूरा है ये हम इसमें डाल के 2-3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए पानी में बॉईल आ गया है। अब हमने जो ये 1 कटोरी सोया चूरा लिया है हम इसको इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट इसमें पकाएंगे और फिर इसको ढक के रख देंगे। तो इससे सोया ग्रैन्यूल्स थोड़े इसमें पक जाएंगे और इनमें एक जो स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हमारे सोया चूरा को पकते हुए इसमें और ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको गैस ऑफ करके इसको किसी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए हमने अपना सोया ग्रैन्यूल जो बॉईल करा था उसे ऐसे स्ट्रेन कर दिया है और प्रेस कर करके हमने इसका जितना एक्सेस वाटर हम निकाल सकते हैं वो निकाल दिया है। अब आइए इसमें छौंक लगाते हैं। छौंक लगाने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब रिफाइंड लिया है। जब ये रिफाइंड थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, ये लगभग 1-2 चुटकी हींग है। इनको हम थोड़ा सा अपने पैन में सौदे करेंगे, ये क्रैकल होने लगे। अब हम ये जो मैंने एक मीडियम साइज की अनियन ली थी जिसे फाइनली चॉप किया है ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। हम हमारी अनियंस का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले में वही थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च लगभग आधी चम्मच डालेंगे हम और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आधी चम्मच से थोड़ा सा कम। ये मैंने लिया है थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर और ये है चाट मसाला, लगभग 1/2 से 1.25 चम्मच चाट मसाला डालेंगे हम इसमें। नमक हम देखेंगे कि हमने आटे में भी नमक डाला है, चाट मसाले में भी नमक है तो हम नमक उसके हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा नमक। अब इन ड्राई मसालों को भी हम अपनी प्याज के साथ भून लेंगे और जैसे ही हमारे ड्राई मसाले प्याज में भून जाएंगे हमने ये जो सोया ग्रैन्यूल्स बॉईल करके रखे हुए हैं ये हम इसमें मिला देंगे। अब ये सोया ग्रैन्यूल्स हम इसमें मिला देंगे और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी सब खत्म हो जाए जिससे हमारे स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे आप या लो फ्लेम पे भूनिए जिससे इन सोया ग्रैन्यूल्स का अंदर तक का मॉइस्चर खत्म हो जाए, नहीं तो अगर हम ऐसे गीले में पराठे भरेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। ये देखिए हमारा जो सोया ग्रैन्यूल्स का ग्रैन्यूल्स थे वो और प्याज वगैरह बिल्कुल पक के ड्राई हो गई हैं। अब हम गैस ऑफ करके इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके पराठे बनाएंगे।
अब हम बनाते हैं सोया कीमा पराठा। ये जो हमने सोया कीमा की स्टफिंग बना के रखी थी वो, ये हमने एक छोटा सा पेड़ा लिया है और इसको हम थोड़ा सा रोल करेंगे। जैसे हम किसी स्टफिंग वाले पराठे को बनाने के लिए थोड़ा सा रोल करते हैं अपना पराठा, ऐसे देखिए ये छोटा सा रोल किया हमने और इसको ऐसे हाथ में लेकर अब इसमें अच्छे से स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हम खूब सारी डालेंगे। ये देखिए मैंने इस पराठे में लगभग 4 चम्मच के करीब स्टफिंग डाल दी है और स्टफिंग को अंदर पुश करते हुए ऐसे प्लीट्स डाल डाल के हम अपना ये क्लोज करेंगे और इसमें ऊपर जो भी हमें एक्सेस में, ये देखिए एक्सेस दिख रहा है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज हो गया। अब इसको ऐसे प्रेस करेंगे और हाथ से ही थोड़ा सा भराएंगे जिससे जो भी स्टफिंग है वो सब तरफ लोई में फैल जाए। आप ऐसे बढ़ा लीजिए चाहे ऐसे बढ़ा लीजिए, कैसे भी। अब हम इसको हल्का सा सूखा मैदा लगा के रोल कर लेंगे। ये देखिए, देखिए हमने अपनी जो स्टफिंग तैयार की थी उसे बहुत अच्छे से सुखाया है हमने, उसमें बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है, तो देखिए कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है हमारी और बहुत इजीली हमारा पराठा रोल हो रहा है। ये देखिए कहीं से नहीं आ रही है स्टफिंग निकल के बाहर। ये देखिए, और देखिए स्टफिंग ज्यादा भरी है तो कितना अच्छा लग रहा है ये पराठा। अब हम इसको तवे पे डालेंगे और इसको मीडियम गैस पे सेकेंगे। देखिए हमने अपना पराठा पलट लिया है। अब हम इस पे घी, बटर, रिफाइंड जो हमें चाहिए वो हम ब्रश करेंगे और फिर इसको पलटेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और मीडियम गैस पे सेकेंगे हम पराठा, फुल फ्लेम पे नहीं सेकेंगे जिससे पराठा अच्छे से अंदर तक सिक जाए। और फिर ऐसे प्रेस कर करके ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर हम अपनी स्टफिंग में पानी छोड़ देंगे या अपना आटा थोड़ा कड़ा गूंदेंगे तो हमारी ये जो स्टफिंग है ये बाहर निकलेगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्टफिंग बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से भूनें जिससे वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और आटा भी हमें ढीला लगाना है, मतलब कड़ा आटा नहीं लगाना है, कड़ा लगाएंगे तो स्टफिंग अच्छे से होगी नहीं, बाहर आ जाएगी सारी स्टफिंग। ये देखिए कितने अच्छे से सिका है हमारा पराठा। ऐसे ही हम अपने सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे मावा पराठा या शाही पराठा। उसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2-3 चम्मच के करीब मावा लिया है, ये ऐसे 2-3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट है, ये 8-10 बादाम और 8-10 काजू हैं जिन्हें हम मिक्सी में डाल के बिल्कुल इनका चूरा बना लेंगे, और ये है 2-3 चम्मच चीनी जो मैंने पीस ली है और इसी में मैंने इलायची के दाने भी पीस लिए हैं। आइए बादाम और काजू को पीस लेते हैं। देखिए काजू और बादाम का बिल्कुल मैंने ऐसे बुरादा सा बना लिया, अगर इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा रह जाएगा तो हमारा पराठा फटने का डर रहेगा। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। इसी प्लेट में हम अपना जो ये डेसिकेटेड कोकोनट है ये भी डाल देंगे। ये जो हमने चीनी और इलायची के दाने पीस के रखे थे ये भी मिला देंगे। और इसमें हम अपना ये मावा या तो मैश करके डाल देंगे, नहीं तो अगर आपका मावा फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसे कद्दूकस करके इसमें मिला दीजिए और इन सब चीजों को अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे शाही पराठे की स्टफिंग तैयार है। आइए इसके पराठे बनाते हैं। मावा पराठा, ये है वो फिलिंग जो हमने तैयार करी थी मावा पराठे के लिए, और एक हम तोड़ेंगे छोटा सा पेड़ा अपने मैदे में से और उसे ड्राई मैदा में डस्ट करके, जैसे बाकी स्टफिंग पराठों के लिए हम छोटी सी पूड़ी बेलते हैं स्टफिंग करने के लिए, ऐसे हम इसको भी बेलेंगे और फिर इसको ऐसे हाथ में पकड़ के इसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने में कंजूसी ना करें, अच्छे से स्टफिंग डालें, अगर स्टफिंग कम रहेगी तो पराठा खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और ऐसे ही प्लेट्स डाल डाल के स्टफिंग को अंदर पुश करके हम अपना पराठा बंद करेंगे और ये जो ऊपर एक्सेस आटा आ जाता है इसको हम तोड़ के
अलग कर देंगे, ये देखिए, और ये बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे। और ऐसे ही हाथ से हम अपना थोड़ा सा मावा पराठा को बड़ा करेंगे, जिससे हमारी स्टफिंग सब तरफ फैल जाए। और फिर से ड्राई मैदा डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे। पराठे को बहुत पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत मोटा करेंगे। ये देखिए कितनी इजीली बिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिलने में, और ना कोई हमारी स्टफिंग बाहर आ रही है कहीं से भी। ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए मीठा पराठा है तो लो मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे सेकने में। एक दो मिनट जब एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसको टर्न करेंगे। इसको लाइटली ऐसे टर्न करेंगे और फिर इस पे घी ब्रश करेंगे। फिर हल्के हाथ से इसको टर्न कर देंगे और फिर दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। अब पराठे को अपने स्पैटुला से प्रेस कर करके सब तरफ से अच्छे से सेकेंगे। देखिए कहीं से कोई स्टफिंग बाहर नहीं आई है हमारी, कलर भी बहुत अच्छे से आ रहा है। मीडियम गैस पे ही हम इसको सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा ऑलमोस्ट तैयार है, इसे बस थोड़ा सा क्रिस्प करना है हमें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इस तरफ, दूसरी तरफ भी ऐसे ही प्रेस कर करके आप सेक लें। ये देखिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल बढ़िया कलर आ गया और ये हमारा मावे का पराठा भी बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारा मावा पराठा और सोया कीमा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। ये डिफरेंट तरह के भरवा पराठे घर पे बना के देखिए, बहुत ही डिफरेंट है और चाहे घर के बच्चे हों चाहे बड़े हों सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये पराठे बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।